हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में जो किताब का रिव्यू करने जा रहा हूँ, ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इन दैट केस ये किताब आपको खरीदना चाहिए और इसे पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देखकर पता ही आप कर लिए होंगे ये कौन सा किताब है, लेकिन आज जो हम रिव्यू करेंगे इसमें सबसे पहले आपको बता देंगे इस किताब का प्राइस कितना पड़ता है, ये किताब किसे पढ़ना चाहिए किसे नहीं पढ़ना चाहिए, और ये किताब आपको क्यों पढ़ना चाहिए। जब आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ना अत्यंत ज़रूरी क्यों होता है। चलिए इस किताब को हम फाड़ते हैं, थोड़ा सा हम पहले से खोल कर रखे थे या खोल दिए थे थोड़ा सा देखने के लिए, ठीक है। तो देखिए आपका ये बहुत अच्छा से फ्लिपकार्ट के थ्रू पैक करके आया है, ठीक है, और अच्छे ढंग से इसे पैक किया गया है। आपके सामने ये किताब मैं जो दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस किताब का नाम आप पहले थंबनेल में देख ही लिए होंगे, इसका नाम है वर्ड पावर मैडीजी। इसके साथ दोस्तों ये कुछ और दिया गया है, वो है बिलिंग का, ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया जैसे मेरे नाम से बिलिंग था। और दोस्तों इसके ऊपर में कुछ लगाया गया था जिसमें सारे इसके बारे में चीज़ें लिखा हुआ था। अब जो दोस्तों ये किताब है इसका पैकिंग बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया गया, क्योंकि दोस्तों आप जब देखेंगे ना यहाँ पर ये देखिए अच्छे ढंग से इसको पैक किया गया है ताकि ये किताब फटे नहीं, ठीक है। हम देख लेते हैं, यहाँ पर पन्नी चिपकाया गया है, ठीक है, इसको हटाकर, या ऐसे होगा तो आप आपके पास कोई चक्कू बक्कू वगैरह का होता चक्कू से आप फाड़ लीजिएगा, ठीक है। आप इस तरह से फाड़ने का कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है, इस तरह से फाड़ने के बाद आपका बुक भी फट सकता है, ठीक है, ओके, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन हम कोशिश करते हैं यहाँ पर जो टैप है उस टैप को उखाड़ने का, टैप उखाड़ेंगे उसके बाद इजीली हम ये हमारा फट जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से टैप है तो सो बी केयरफुल, थोड़ा सा हमारी में इस तरह से टैप उखाड़ देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये पन्नी आपका काम का भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग जो है इस तरह से इस बुक को जो है देख लेते हैं, आराम से आप निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखें उसके बाद जो है, देखिए किसी बुक को सबसे पहले खोलने का या पैकिंग है उसको निकालने का तरीका ये है कि आप उसको आराम से निकालिए, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव होता है, बुक फट सकता है। आप इस बुक का इंटरफेस देखिए, ये न्यू लॉन्च बुक है, मतलब कि बहुत ही नया बुक है, ठीक है। इसके बाद ये बुक थोड़ा सा वॉल्यूमिनियस भी आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है, मोटा, ठीक है, काफ़ी मोटा, आपको देख कर चक्कर ना आ जाए, चक्कर तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, लेकिन काफ़ी अच्छा बुक है, ठीक है। अब देखिए इस बुक का खासियत क्या है, देखिए इस बुक का जो प्राइस है, ठीक है, ओवरऑल अभी जो हम इसको फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं इसका दाम हमें 151 रुपया लगा, ठीक है, डिलीवरी चार्ज वगैरह जोड़कर 50 रुपया डिलीवरी चार्ज जोड़ा गया, आपके रीजन में अलग हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये किताब जो है और बहुत सारी किताबों के बारे में एक्सप्लेन करता है, इसमें ये किताबें जो अगर आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम है कि कैसे लिखा जाता है कैसे बढ़िया पढ़ा जाता है, वर्ड गाइड डिक्शनरी वगैरह, ठीक है। अच्छा ये किताब क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए अगर आपका वर्ड पावर कमज़ोर है, अगर आप वीक हैं वोकैब्स को लेकर, शब्द आपको नहीं याद हो रहे हैं, ठीक है, तो ये किताब मैंने कई बार बच्चों को पढ़ाया अभी ने उससे अच्छा किया है, तो आप भी अच्छा कर सकते हैं। बस इसको क्या करना है, इसमें काफ़ी देखेंगे जब इसको उल्टाकर आपको इसमें काफ़ी सेशंस मिलेंगे देखने को, ठीक है। आप ये ज़रा गौर से देखिए, ठीक है, इसमें काफ़ी किताब्स के दाम लिखे गए, जो भी बुक्स हैं उसके बारे में लिखा गया कि वर्ड पावर मैडीजी का 169 पड़ेगा आपको, नॉर्मली इसका डिक्शनरी ऑफ वर्ड पावर का ये वगैरह सब दिया गया, ठीक है, ये इसका प्राइस है, लेकिन आप अमेजन पर इससे कम में भी आपको दाम पड़ सकता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से आपके रीजन में वेरी करेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ ब्रीफ इंटरमिशंस दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अलग अलग सेशंस है, आप अगर गौर से देखेंगे ना इस किताब में कुल मिलाकर दोस्तों आपके जो सेशन है वो आपके कुल मिला के इस किताब में 47 ये कह रहे हैं सेशन है, ठीक है, ठीक है, इस किताब में ओके आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है नया एडिशन में कुछ अलग हो, ठीक है, आप अगर नया एडिशन खरीदें हैं ज़रूर बताइएगा इसका आपका क्या बेनिफिट मिला। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर और सारी किताब के भी दाम जो बुक हैं उसके बारे में बताया गया, आप अपना नाम बिलिंग एड्रेस वगैरह सब कर लीजिए, ठीक है, ओके। इसके बाद दोस्तों इस किताब में सबसे बड़ी खासियत क्या है, इस किताब को मैंने आपको बताया था ना, खासियत भी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले इसमें तो बताया गया कि भाई 10 वर्ड आपको बता देगा कि ये डॉक्टर के बारे में है, और उस 10 वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है, वो भी आपको ये बताएगा। जैसे मान लीजिए इस सेशन 4 में अगर आप देखेंगे, इसमें पहले डॉक्टर्स के बारे में बोला जाए, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते, ऑब्स्टेट्रिशियन कौन होते, गायनेकोलॉजिस्ट कौन होते, ठीक है, उसके बाद दोस्तों बहुत सारे वर्ड हैं, और उसके बाद इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है इस अगले अध्याय में बताया गया, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट का कहाँ से ओरिजिन हुआ है, जैसे दोस्तों चिल्ड्रेन वाले जैसे पेडागोजी है, उसके बाद डेमागग है, डेमागगरी है, बहुत सारे वर्ड है, ठीक है, ये आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं और इसे कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों इस बुक का दोस्तों हम लिंक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है, आप उस के माध्यम से खरीद सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे सीडीएस चाहे एनडीए की तैयारी करते हैं, आई विल सेव विथ माई सर्टिट्यूड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन मार्केट। आप इस किताब को पढ़िए, एक बार अपने भाई का बात मानिए, ठीक है, आपका वोकैब्स इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि जिसके बारे में मैं नहीं बता सकता। देखो टॉपर्स सजेस्टेड ये बुक है, हम लोग टीचर हैं, हम लोग भी खुद सजेस्ट करते हैं इसे आप पढ़ें,
इसमें लेस एफर्ट में बहुत ज़्यादा आउटकम है, आपको वोकैब से प्यार हो जाएगा जब रूट वर्ड के थ्रू पढ़ेंगे, आप रटना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आई विल से विथ माई सर्टिफिकेट यार, हाँ रटना छोड़ देंगे। मेरे ओपिनियन में ये मार्केट में सबसे बेस्ट बुक है अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ से, ठीक है। अगर वोकैब्स में आपका कमजोरी है तो ये सही बुक है, आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसे ज़रूर आप पढ़िए। बाकी आप लोगों का क्या राय है इस बुक के बारे में, आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आप इस बुक को 4 स्टार देंगे, 5 स्टार देंगे, कितना स्टार देंगे। मेरे तरफ से इस किताब को मैं 5 स्टार देता हूँ, ठीक है, ओके। और बाकी आपका क्या राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू आप इस वीडियो को यार देखने के लिए, जिसका यह बुक है उसे ज़रूर हम प्रोवाइड कर देंगे। बाकी रिव्यू करने के लिए हम रख लिए थे ताकि आपका भी बेनिफिट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।